सेकेंड फ्रॉमिस और दूसरा वायदा मैं आपको ये देना, देना चाहता हूं हाउ टू ओवरकम दिस और हम इस संसार के प्रलोभनों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं और यह बहुत ही अद्भुत है कि कैसे बाइबल इस प्रश्नों पर उत्तर देता है पहला योहना उसका पांचवा अध्याय And verse four. This is the the victory that has overcome the world. Verse जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है संसार के ऊपर विजय पाना वो विश्वास के माध्यम से होता है और और मैं आपको आपको सुसमाचार अध्याय अध्याय में पे नियम ये उसका नौ अध्याय का उन, उन, उन वचन मुझे बहुत पसंद है ये वचन को बताना times. कई बार मैं कहता हूँ इसे बी डन फॉर यू अकॉर्डिंग your faith. That's the second. One. और वहाँ लिखा है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए. Second law. First. और ये दूसरा नियम है. First one. पहला है. God gives His grace to the humble. कि परमेश्वर नम्र लोगों को अपना अनुग्रह देता है. Here's the second one. और यहाँ पर दूसरा है. You will not get as much as you want. और आपको उतना अधिक नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं. You will get as much as you have faith for. और आपको उतना ही मिलेगा जितना पाने के लिए आपके अंदर विश्वास है Faith is like a vessel. और विश्वास मानो एक एक पात्र के समान है The the bigger your vessel, the more you get from God. और जितना बड़ा आपका पात्र है उतना बड़ा आपको परमेश्वर से उतना ही बड़ी मात्रा में प्राप्त भी होगा the smaller your vessel, oh, God can only do this much for me. और अगर आपका जो पात्र है वो बहुत छोटा होगा तो फिर उतना ही कम मात्रा में आप परमेश्वर से पाओगे क्योंकि आप ऐसे कह रहे हो कि मेरे लिए परमेश्वर केवल इतना ही कर सकता है ओके okay, no, so so कोई दूसरा व्यक्ति आकर परमेश्वर से कहता है नहीं मुझे परमेश्वर से बहुत कुछ प्राप्त होगा और वो बड़ा वो बड़ा बर्तन ले आता है और वे वो से बहुत पाता है you know आपको ये पता है और जब बरसात होती है, तो सारे लोगों को उतनी मात्रा में पानी नहीं मिलता है put a small cup there, that's all you get. और अगर आप वहां पर बाहर बरसात में अगर एक छोटा सा कप रखते हैं तो उतना ही भरकर आपको पानी प्राप्त होगा you put a big, huge there. और अगर आप बड़ा बर्तन वहां रखे तो यू गेट मच मोर रेन फिर आपको और अधिक मात्रा में पानी वहां मिलेगा है क्योंकि ने उस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा बरसात बरसाई इसलिए की उसने बड़ा बर्तन वहां रखा अकॉर्डिंग टू ये बी यू और आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए हो जाए और अगर आप परमेश्वर के पास एक छोटा सा विश्वास लेकर आते हैं मुझे निश्चित नहीं है कि परमेश्वर मेरे लिए कर पाएगा या नहीं I tell you, God will not do it। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके लिए नहीं करेगा

That you can do it. कि आप मेरे लिए कर सकते हैं और उसने किया सो रिमेम्बर इसलिए आप हर एक परिस्थिति में यह याद रखेर यह आपकी इच्छा के अनुसार नहीं टू यीड ये आपकी जरूरत के अनुसार भी नहीं इज नॉट इन अकॉर्डिंग टू योर प्रेयर और यह आपके प्रार्थना के अनुसार भी नहीं और ये दूसरों के प्रार्थना के अनुसार भी नहीं It's according to your faith. वो आपके आपके विश्वास के अनुसार होगा। That's a law. ये एक नियम है। Just like the law of grace. और जैसे अनुग्रह के लिए नियम है वैसे ही ओके okay, तीसरा नियम है जो मैं आपको बता सकता हूँ मैथ्यू सिक्स और मत उसका छठा अध्याय उसका तेतीसवा वचन ये नए नियम के सारे नियम है इफ यू सीकडम ऑफ गॉड फर्स्ट और अगर आप परमेश्वर के राज्य की सबसे प्रथम अगर खोज करते हैं तो ऑल योर अर्थली नीड्स आपकी जो पृथ्वी पर की जो आवश्यकताएं हैं वो सब कुछ आपको जोड़ दी जाएंगी नॉट वट यू वॉन्ट और वो नहीं जो आप चाहते हैं बहुत ही फर्क है की हम क्या चाहते है और हमारी जरूरत क्या है जैसे बहुत सारे चीजें बच्चे चाहते है लेकिन आप उन्हें वो सब नहीं देते है जो वो चाहते रखते है लेकिन आप केवल उनको वही देते है जो उनकी जरूरत है God has not promised to give us all that we want. परमेश्वर ने हमें ऐसा वादा नहीं किया है कि जो कुछ भी हमें चाहिए वो दे देगा. That's the mistake a lot of Christians make. और ये बहुत ही बड़ी गलती है जो बहुत सारे मसीह लोग करते हैं. They go to God and say, "I want this." और वो परमेश्वर के पास जाकर कहते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए. Well, there's no promise that you'll get it. और ऐसा कोई वादा नहीं है कि आपको मिल जाएगा. But Philippians 4:19 says my God will supply all your need लेकिन फिलिपियो उसके चार अध्याय के 19वें वचन में हम पढ़ते हैं वहां लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मेरा परमेश्वर आ, आ, पौलुस कहता है कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी जरूरत सारी जरूरतों को पूरा करेगा बट जरूरत के अनुसार तुम्हें देगा whom does he give it लेकिन किसे वो देगा Matthew 6:33 seek God's kingdom first. और मत्ती छे का तैतीसवा वचन सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करे एंडनेस और उसकी पवित्रता की His उसकी शुद्धता की His उसकी धार्मिकता की एंड ऑल योर अर्थली नीड विल बी फिर ऐसा करने के बाद सारी जो आपकी पृथ्वी पर की आवश्यकता है वो सब आपको जोड़ दी जाएगी

और आपके जीवन के अंत में आपके पास एक ऐसी एक गवाही होनी चाहिए I mean, और मैं मैं अपने जीवन के के अंत अंत में के बहुत करीब आ गया हूँ और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जब मसी आ जाएगा तब मेरा जीवन मैं समाप्त करूंगा But that, I want a in my life that... लेकिन उसके पहले मैं ये गवाही मेरे जीवन में चाहता हूँ और 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 मैंने अपना जीवन जीवन इसी में में बिता दिया कि मैं परमेश्वर के राज्य की की उसकी धार्मिकता खोज करता रहा। मेरी सारी जरूरत को मुझ पर मेरे जीवन में जोड़ दिया गया और मेरे परिवार की भी Now let me explain. अब मैं आपको समझाने समझाने दो मुझे आपको God's seeking God's kingdom does not mean being a full-time worker. परमेश्वर के राज्य की खोज करना इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पूर्णकालिन सेवकाई में चले जाएं। It does not mean preaching. इसका अर्थ ये भी नहीं है कि प्रचार करना। It does not mean travelling. और इसका अर्थ ये भी नहीं है यात्रा करना। It does not mean going here and there preaching the gospel. No. और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि यहाँ वहाँ जाकर सुसमाचार का प्रचार करना Romans 14:17 says the kingdom of God is righteousness. और 14:17 में कि परमेश्वर का राज, उसकी द, परमेश्वर का है, Peace शांति है. And joy in the Holy Spirit. और में है, And all of you can seek it. You're a mother with children. और आप हर sakte. लोग इसकी खोज कर सकते. आप जो माता है, जिनके बच्चे है, You cannot travel anywhere. You can seek the kingdom of God. First. आप लोग भी परमेश्वर के राज्य की सबसे प्रथम खोज कर सकते हैं। It means the rule of God upon your life। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की प्रभुता आपके जीवन जीवन पर। Today those days they used the word kingdom. Today we use the word government। और उन दिनों में उन्होंने राज्य ये ये शब्द इस्तेमाल किया। आज हम एक सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। Have you understand the government of God? Do you know Government of India क्या आप समझते हैं कि परमेश्वर की हुकूमत या उसकी सरकार क्या है कि आप समझते हैं कि भारत की सरकार या भारत की हुकूमत कौन है वी लिव अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हम जो सरकार जो नियम बनाती है उसके आधार पर हम जीवन व्यतीत करते हैं नॉट सम अदर गवर्नमेंट कोई दूसरी सरकार बनाती है उसके अनुसार नहीं So the seek the government of God in your life. इसलिए परमेश्वर की हुकूमत आपके जीवन में आ जाए इसकी आप तलाश करें. That means live by God's rules in your life. इसका अर्थ परमेश्वर के नियमों के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करें. And all your earthly need will be added to you. और फिर आपकी सारी पृथ्वी पर की जो आवश्यकताएं हैं वो आपको जोड़ दी जाएंगी. एग्जाम्पल उदाहरण के लिए One of God's rules is, और परमेश्वर का एक नियम यह है कि दूसरों को क्षमा करे we'll be forgiven. और फिर आपको भी क्षमा किया जाएगा so, seek God's kingdom first, इसलिए परमेश्वर के राज्य की सबसे प्रथम खोज कीजिए holiness. और उसकी पवित्रता की ऑल you यू नीड बी added to. You. और फिर आपकी जो कुछ भी जरूरत है वो सब कुछ आपके लिए जोड़ दिया जाएगा you know so क्या आपको पता है कि कितनी सारी अधर्मिकता है In the world today, will you... इस, इस, इस संसार में जिसमें हम जीते हैं। you that you'll never be और आप ये निश्चय कर लेते हैं कि मैं कभी भी अधर्म अधार्मिकता के काम नहीं करूंगा that you'll never do some small wrong thing. कि आप एक छोटी सी गलत बात भी नहीं करेंगे

कम अंक भी क्यों ना मिल जाए Let them be righteous. लेकिन उन्हें धर्मी बने रहने दीजिए You got to be like that in your life as well. और आपको अपने जीवन में भी ऐसे ही बनना है I will not sign this wrong statement to get a little more money. और मैं इस झूठे जो स्टेटमेंट को मैं साइन नहीं करूंगा और पैसे का लाभ कमाने के लिए I'll be righteous. मैं यहाँ पर धर्मी बना रहूंगा I'll be upright even if I get less money. और मैं यहाँ पर बिल्कुल निर्दोष निष्कलंक रहूँगा भले ही मुझे आ, कम पैसा मिले लेकिन मैं ईमानदार बने रहूँगा. It's fine, you know how in so many offices people put claims for my travel expenses. और आप देखते हैं कि कैसे नौकरी के क्षेत्र में अपने दफ्तर में कई लोग ऐसे झूठे चीजों को लिखते हैं कि मुझे अपने यात्रा के लिए इतने खर्च की जरूरत है <laughs> और वहाँ पर वो लोग झूठ कहते हैं yeah, क्योंकि दूसरे लोग सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं hell, it, और अगर आप ये कह रहे हैं कि सारे लोग यही करते हैं फिर सारे लोग नरक में भी जाते हैं don't forget, is going to hell as well. ये मत भूलिए कि सारे लोग नरक में भी जाएंगे so don't use the excuse, is doing it. इसलिए ये बहाना आप मत इस्तेमाल कीजिए इस बहाने का कि दूसरे लोग कर रहे है I'm righteous, righteous, I'm be... धार्मिकता के मार्ग पर चलूंगा और भले ही मुझे कम पैसा क्यों ना मिल जाए लेकिन वो थोड़े पैसे को ही परमेश्वर आशीषित करेगा you know, if I get...

that's why i often said lord i don't want one one rupee in my bank account that is unrighteous और इसलिए मैं प्रभु से ये कहता हूँ कि प्रभु मेरे बैंक अकाउंट में एक रुपया भी ऐसे मैं नहीं चाहता हूँ जो अधर्मिकता से पाया है या कमाया है no नहीं i don't want any black money i don't have any black money and never... और मुझे किसी भी प्रकार का काला पैसा नहीं चाहिए और मेरे पास कोई काला पैसा है भी नहीं ever had in my life और मेरे जीवन भर में कभी मेरे पास ऐसा पैसा काला पैसा नहीं रहा And I don't want any. और मुझे चाहिए भी नहीं शून्य। और you I... और आपको क्या लगता है कि आपका नुकसान हो जाएगा और केवल ये जो काला धन कमाते हैं केवल वही लोग आशीषित होंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप धर्मी बने रहोगे और परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करे पूरी करेगा

गलातियों की पत्री उसका छठा अध्याय और गलाती उसके छह अध्याय के सातवें वचन में लिखा है क्योंकि जो कोई मन, जो कुछ भी मनुष्य बोता है वो वही काटेगा इफ यू सो टू 8 यू रीप करप्शन और आठवें वचन में लिखा है कि अगर आ, आप शरीर के लिए बोएंगे तो आप भ्रष्टता की कटनी काटेंगे। और अगर आप पवित्र आत्मा को बोते हैं के लिए बोते हैं तो You reap eternal life It's... फिर आप अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। It's a law, you can't change it और ये एक नियम है आप इसे नहीं बदल सकते। हैं। It's like in the world, if you sow potatoes, you get potatoes और जैसे संसार में अगर आप आ, जो potato होता है आ, बटाटा होता है अगर उसका पौधा लगाते हैं उस उसका बीज डालते हैं तो वही उगता है you tomatoes, you get और अगर आप टमाटर का पौधा लगाएंगे तो आपको टमाटर ही उसके बदले में मिलेंगे और अगर आप राइस जो है चावल का अगर पौधा चावल का बीज बोते हैं तो आपको चावल ही प्राप्त होगा बदले में You can't sow rice and get wheat. और आप चावल का बीज डालकर आपको गेहूँ नहीं मिलता है. Impossible. है। so you can't sow to the flesh, to the lusts of the flesh, do all types of wrong things, and reap eternal life. That... और फिर आप शरीर को बोकर और सा, सारे गलत काम करकर कर शरीर के अभिलाषाओं को और उसकी लालसाओं को बोकर और फिर आप सोचेंगे कि मैं आनंद की कटनी काटूँगा. It's as crazy.

जो आप बोने वाले हो वही आप काटोगे यही परमेश्वर के नियम का एक भाग है flesh, और ये कभी बदलने वाला है नहीं अगर आप शरीर को बोगे तो आप भ्रष्टता की कटनी काटोगे when एक दिन यू रीप दैट करप्शन और जब आप उस भ्रष्टता की कटनी काटोगे तो डोंट वाई यू रीप्ड इट

जब ही बोते हैं तुरंत ही आप उसकी कटनी नहीं काटते हैं टेक्स टाइम उसे समय लगता है अ फार्मर सोज अ सीड एंड ही गेट्स अ क्रॉप अ लॉन्ग टाइम लेटर ही इज और एक किसान जो है जब वो बीज बोता है तो उसको जो अनाज मिलता है उसके लिए बहुत लंबा समय लग जाता है it, it, then... और उसे उसकी देखभाल करनी पड़ती है उस पर पानी डालना पड़ता है a, what this, what this और वो जो उसको अनाज उसके द्वारा मिलता है वो सौ गुना ज्यादा होता है जो उसने बोया है उसकी तुलना में और वो सौ गुना वहाँ पर फल उसका अनाज उत्पन्न होता है So if you sow to the flesh, you can reap a hundredfold corruption. और अगर आप शरीर को बोते हैं तो फिर आप सौ गुना ज़्यादा भ्रष्टता को आप भ्रष्टता की कटनी काटेंगे.

ओके मेडिटेट ऑन दैट आई डोंट वांट टू और इसलिए मैं मैं चाहता हूं कि आप इस पर मनन करें स्पेंड टू मच टाइम और मैं इस पर ज्यादा समय और नहीं बिताना चाहता एक्सप्लेनिंग इट ऑल गॉड ये जो आपको विवरण दे, देने के लिए वांट्स अस टू थिंक अबाउट जीसस यूज्ड टू स्पीक इन लिटिल वर्ड्स और परमेश्वर चाहता है हम खुद इस बात पर सोचे और यीशु ने छोटे कम शब्दों का इस्तेमाल किया और फिर बाद में जाकर चेले उस पर मनन करे इसलिए okay, और यहाँ पर पांचवा नियम है Acts 20. प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका बीसवा अध्याय और ये के कहे हुए शब्द है ये जो प्रेरित के काम के पुस्तक में पाए जाने वाले ये कम शब्दों में से एक शब्द है law number 5 नियम नंबर 5 it is more blessed to give than to receive acts 20 verse 35 और प्रेरित प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 35वां वचन कि प्राप्त करने से भी कहीं अधिक बढ़कर है दे देना acts ले, लेने से बढ़कर देना है 20.

Many of you are receiving the word of God right now, and you are being blessed. And, And when you get your salary from your office, a job God gave you. और आपको जब नौकरी You got a good salary.

That's a law of God. ये परमेश्वर का एक नियम है. It's more blessed to give than to receive. You can't change it. और लेने से बढ़कर देना है और आप इसे बदल नहीं सकते हैं. Jesus said that. यीशु ने ये कहा है. So when you learn to sacrifice something and give. और जब आप ये सीख जाते हैं कि आप बलिदान करें और आप देना सीख जाते हैं.

उसमें और एक बड़ी महान आशीष है आपको यह तब पता चलेगा जब यीशु वापस आ जाएगा you, और हर एक मसीह जिसको आपसे बढ़कर अधिक रूप से महान आशीष मिली है और जिसने आपसे अधिक ये सीखा है कि देना है yeah, हाँ, ये सच है Learn it now. I don't mean just money. और आप अभी इसे सीखे मैं पैसों के मामले में नहीं कह रहा और आप आप जो है में से कई लोग गरीब है और आप आपके पास बहुत ही कम है It's not asking for that. और परमेश्वर प... आपसे पैसे नहीं मांग रहा है And... What about sacrificing something else in your life? लेकिन इस उस उस चीज का क्या कि कुछ और आप अपने जीवन में बलिदान कर रहे हैं टाइम एनर्जी आपका समय आपकी ऊर्जा समथिंग फॉर गॉड कुछ आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं लॉर्ड आई वांट टू डू समथिंग फॉर यू परमेश्वर मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। लाइक वी सिंग दैट सॉन्ग जैसे हम गीत में गाते हैं थ्रू ऑल माय लाइफ आई वांट टू गिव समथिंग फॉर गॉड दैट माय लाइफ विल बी और और मेरे मेरे जीवन जीवन में अगर कुछ कुछ मैं चाहता हूं तो तो है है कि मेरे जीवन के कुछ तो के माध्यम से मैंने परमेश्वर लिए दिया है। At the cost of it's, और खुद इनकार करने का जो की जो कीमत चुकाते हैं खुद खुद का खुद के लिए मरने की it's more to give than to ये बहुत ही धन्य है कि हम दे इसके बजाय कि हम दूसरों से ले आई रिमेम्बर came to me and said और मुझे याद है कई वर्षों पहले एक भाई मेरे पास आया और मुझसे इस प्रकार से कहा Brother Zack I can't remember verses और वो वो कहने लगा कि भाई जैक मैं जो वचन है जो पद है बाइबल बाइबल के उसे मैं याद नहीं रख पाता हूँ। I read them I try to memorize them and I still forget और मैं उसे पढ़ता हूँ और मैं उसको याद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बाद में फिर मैं उसे भूल जाता हूं So और फिर आप कैसे सारे इन वचनों को याद रखते हैं oh, मैं, मैंने कहा कि मैं आपको बताता हूं कैसे। और ये बहुत ही धन्य है कि हम किसी को दे इसके बजाय कि हम उस किसी से स्क्रिप्चर आप एक वचन पढ़ते हैं और वो आपको उससे आपको आशीष मिलती है And you keep it to yourself. और फिर आप उसको अपने लिए ही बनाए रखते हैं और जब कभी मुझे वचन से आशीष मिलती है तो मैं दूसरों के साथ उसे बांटता हूँ हो सकता है मैं ई मेल के माध्यम से Maybe in a phone call, या या फोन कॉल के माध्यम से और और फिर मेरे विषय में कहूँ तो प्रचार के माध्यम से लेकिन आप में से ज्यादातर लोग कई लोग जो है जो पुलपिट पर आकर स्टेज पर आकर नहीं कह सकते हैं आप लोगों से ईमेल के माध्यम से फोन कॉल के माध्यम से बांट सकते हैं कुछ तो जो आपको परमेश्वर से प्राप्त हुआ है

you selfishly keep it as a you a hoarder और आप जैसे एक न, न, आ, स्वार्थी रूप से उसे अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं जैसे मानो आप एक जमाखोर व्यक्ति है you know what a miser is a miser is a hoarder और आपको पता है कंजूस कौन होता है वो कंजूस वो होता है वो जमाखोर होता है अपने लिए इकट्ठा करके रखता है He accumulates, accumulates, accumulates everything for himself. और वो खुद के लिए सब कुछ इकट्ठा करता है, इकट्ठा करता है, इकट्ठा के करता है केवल खुद के लिए. You receive so much in the meeting. और आप सभा में बहुत कुछ पाते हैं. You keep it, keep it all to yourself. No. और आप केवल अपने लिए ही उसे अपने आप तक ही उसे सीमित रखते हैं, खुद के लिए ही. You got a blessing, I know, but if you learn to give it to out to somebody. और आप उससे आशीर्षित हुए हैं ये मैं जानता हूं लेकिन अगर आप ये सीखेंगे कि वो आप दूसरों से भी बांटे तो फॉर एग्जाम्पल यू रिसीव समथिंग और उदाहरण के लिए अगर यहाँ से आपको कुछ प्राप्त होता है दिस मॉर्निंग आज की सुबह एंड यू शेयर इट विद वन पर्सन और आप जाकर एक व्यक्ति से उसे बांटते हैं ईमेल के माध्यम से, or in a phone call. या फिर फोन कॉल के माध्यम से

It's not only money. It is. ये केवल पैसों के बात नहीं है also, but... पैसों के बारे में तो है लेकिन और मैं अपनी ऊर्जा दे सकता हूं मैं अपना जीवन दे सकता हूं मैं बहुत सारी बातें दे सकता हूं Help others, just... मैं दूसरों की सहायता कर सकता हूं नॉट जस्ट यू नो समटाइम्स वी सर्व गॉड बाय सर्विंग अदर पुorer पीपल और कई बार हम परमेश्वर की सेवा इस प्रकार से करते हैं कि हम दूसरे गरीबों की सेवा करते हैं There are many ways. बहुत सारे मार्ग हैं। बट इट इज मोर ब्लेस टू गिव दैन टू रिसीव लेकिन ये अधिक धन्य है कि हम दूसरों को दे इसके बजाय कि हम दूसरों से ले The world says it is more blessed to receive. और ये संसार ये कहता है कि ये बहुत ही धन्य है कि हम दूसरों से प्राप्त करेंगे और लगातार हम हम खुद के लिए एकटा करे, एकटा करे, एकटा करे। accumulating money, accumulating और ज्ञान को इकट्ठा इकट्ठा पैसा पैसा बाइबल नॉलेज को इकट्ठा करें ये गलत it's ये गलत है so to give than to ये बहुत अधिक धन्य है कि हम किसी को दे इसके बजाय कि हम किसी से ले Number six, here's an चटा, च, चटा न, 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 another for promise. Romans eight twenty-eight, well known verse. वचन, if it's not for everybody. But if you love God, and you want to fulfill his purpose in your life. यदि परमेश्वर के जो उपदेश को अपने जीवन में अगर पूरा करना चाहते हैं तो एवरीथिंग बाय एवरीथिंग गॉड मींस एवरीथिंग फिर हर एक बात परमेश्वर का मतलब यह है सब कुछ हर एक बात का अर्थ हर एक बात है देट है जो कुछ भी आपके साथ बीतेगा विल आउट फॉर योर गुड वो सारी बात आपके लिए भलाई के लिए ही कार्य में आ, कार्य करेगी एंड वॉट इज दैट गुड इन दैक्ट और वो भलाई क्या है नेक्स्ट वर्ड उसका अगला वचन मेक यू मोर लाइक जीजस क्राइस्ट और वो आपको अ, अपने बेटे यीशु के समान यीशु परमेश्वर के पुत्र के समान बनाएंगे बनाएगी Always read Romans 8:28 with verse 29. और हमेशा आप रोमियो 8 का 28वां जो वचन है वो उन्तीस वचन को जोड़कर पढ़िए

कार्य करेगा People take you to court. It'll... और लोग आपको कोर्ट में लेके जा, जाते हैं न्यायालय में It'll work for your good. It's happened to me. ये आपके भलाई के लिए काम, काम आएगा और ये मेरे साथ भी हुआ है इट always work for your good। और ये हमेशा आपके भलाई के लिए ही कार्य करेगा इफ यदि यू लव गॉड यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो एंड यू वॉन्ट फुलफिल हिस्स पर्प और आप उसके उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं तो सो वेन डज समथिंग टू यू और अगर कोई आपके खिलाफ में कुछ करता है तब एंड यू से ही डिड ईवल टू मी और अगर आप यह कहते हैं कि उसने मेरे साथ दुष्टता की है okay, और आप इसे कल ऐसे मान लीजिए कि किसी ने बहुत गलत किया आपके साथ Somebody did to you or your family. या आपके परिवार के खिलाफ Cheated you of your property or something like that. और आपकी जो संपत्ति के विषय में आपको धोखा दिया And you complain, he did something evil to me. और आप शिकायत कर रहे हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया What are you actually saying? आप पता है आपको कि आप वास्तविक रूप से क्या कह रहे हैं You know what you're saying? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? Uh, brothers, I want to say I don't love God. और भाइयों मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता. I don't want to fulfill His purpose in His life. That's what. और मैं परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं करना चाहता. you're saying? यही आप कह रहे हैं. Because if you love God. क्योंकि अगर आप परमेश्वर से यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो

रोमंस 8:28 और मैं यहां पर घमंड नहीं कर रहा हूं मैं केवल यह वचन बता रहा हूं रोमियो 8 का 28वां वचन नॉट दैट दे मेड मी richer इफ समबडी स्टोल और यह नहीं कि उन्होंने मुझे धनवान बना दिया ऑल माय प्रॉपर्टी और अगर किसी ने मेरी जो संपत्ति ले ली तो ही हैजंट मेड मी richer तो उसने मुझे आ, आ, उस किसी ने संपत्ति दी तो उसने मुझे धनवान नहीं बना दिया If somebody stole your family inheritance, और अगर किसी ने आपकी जो परिवार की जो संपत्ति है या विरासत को चुरा लिया तो He didn't make you richer. फिर उसने आपको धनवान नहीं बनाया बट इट मेड मी मोर लाइक क्राइस्ट लेकिन उसने मुझे और अधिक यीशु मसीह के समान बना दिया हा ऑल द Being taken to court made me more like Christ. और जो कुछ मेरे खिलाफ बुराई की मुझे कोर्ट तक लेके गए न्यायालय ले तक और वो मेरे लिए भलाई के लिए उत्पन्न हुआ मुझे मसीह के समान बनाया Being facing insults and false accusations, I faced so many false accusations. और मैंने बहुत सारे अपमान को और बहुत झूठे दोष को मैंने अपने जीवन में बहुत सारे बहुत सारे ऐसी बातों का सामना किया My life. I don't hate any of them. It's... लेकिन इनमें से मैं किसी से भी नफरत नहीं करता हूँ like इस क्योंकि उसके कारण मुझे और मैं मसीह की तरह बना हाँ और फिर आप कैसे इस वचन को पूरा करोगे कि आपको कहा गया कि जो आपको श्राप दे उन्हें आशीष दीजिए अगर कोई आपको श्राप ही नहीं देगा तो आप ये कैसे करेंगे If you say, Lord, I want to live a life where nobody will curse me. और आप प्रभु से ऐसा कहेंगे कि प्रभु मुझे ऐसा ऐसा एक जीवन जीना है जहाँ पर कोई भी मुझे श्राप न दे. You're like saying, Lord, I want to live a life where I never obey one scripture. और फिर आप मानो परमेश्वर से ऐसे कह रहे हो कि प्रभु मुझे ऐसा जीवन जीना है जैसे मानो मुझे एक भी वचन के का आज्ञा पालन नहीं करना है I don't want to live like that. मुझे ऐसे नहीं जीना है I say, Lord, I want to obey every scripture. मैं कहना चाहता कि प्रभु मुझे वचन का पालन करना है, है। में चलना है। well, then, will have to curse you. फिर लोगों को आपको श्राप देना होगा will have to hate you. लोग आपसे नफरत करेंगे फिर। How can you love those who hate you? फिर आप कैसे उनसे प्रेम करो, करोगे जो लोग आपसे नफरत करते हैं if you don't, if you... Have hate you. So, फिर कोई हर, अगर कोई होगा ही नहीं जो आपसे नफरत करे फिर आप कैसे इस वचन को पूरा कर पाओगे I never pray, Lord, don't let anybody hate me. और मैं ऐसे प्रार्थना नहीं करता हूँ कोई भी मुझसे नफरत ना करे फिर मैं वचन के आज्ञाकारिता में नहीं चल पाऊंगा Don't let anybody be my enemy. I know... प्रभु, मेरा कोई शत्रु ही ना हो होने पाए। मैं 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 ऐसा प्रात... मैं ऐसे कभी कभी प्रार्थना नहीं नहीं करता फिर फिर परमेश्वर के वचन का कभी पालन नहीं कर जहां पर हमें ये देखता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। you know, आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसको परमेश्वर के दृष्टि से देखें तो फिर आप जो लोग जिसे श्राप कहते हैं फिर वो वास्तविक रूप से तो एक आशीष है जो कुछ भी क्यों ना हो वो सब कुछ आपके भलाई के लिए ही कार्य में आ, कार्य करेगा a wonderful promise. क्या अद्भुत वायदा है yes. wonderful. बहुत ही अद्भुत वायदा है More on it. इसके ऊपर आप और अधिक मनन कीजिए I... और फिर इसके बाद आप फिर से शिकायतें ना करें आप इस बात को याद रखे Every time you complain, जब कभी आप शिकायत करते हैं किसी ने आपको कुछ नुकसान पहुंचाया somebody did evil to you. किसी ने आपके साथ बुरा किया what you're actually saying is, आप वास्तविक रूप से ये कह रहे हैं भाइयों बहनों, मैं 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 परमेश्वर परमेश्वर से से प्रेम प्रेम नहीं 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 करता। I I I don't want want to to his his purpose। और मुझे उसके उद्देश्य को पूरा करना करना है। That's what you're saying। ये आप कह रहे हो। I will never say that। मैं ऐसे कभी नहीं कहूंगा। I love God। मैं से प्रेम करना चाहता हूं। With all my heart, because he gave his life for me। और मैं से उससे प्रेम करना चाहता हूं उसने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया

They try to harm me. वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं like ये मानो जो जो पानी का जो होते हैं उसके समान और उसके अंदर आप गंदा पानी डाल दो और फिर वो फिल्टर के माध्यम से साफ पानी बाहर आता है That's how it is. 8 20 is like और बिल्कुल ऐसा ही है रोमियो उसका का वचन। मेरे लिए ऐसा ही है So I don't know. Some of you have complaints against others. और मुझे नहीं पता कि आप में से कुछ लोग जो हैं जिनके अंदर दूसरों को लेकर शिकायतें हैं. Right. सही कहा मैंने. Be honest. आप ईमानदार हो जाइए. Have you? Uh, uh, let me ask you something. मैं आपको एक कुछ पूछना चाहता हूँ. How many of you can honestly say? आप में से कितने लोग हैं जो ईमानदारी से ये कह सकते हैं? मेरे अंदर मेरी सास को लेकर किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है आप में से कौन कौन लोग हैं जो ईमानदारी से कह सकते हैं और आप ये कह सकते हैं क्या कि उसने मेरे जीवन में बहुत कुछ मेरे प्रति भलाई की है क्या आप आप कह सकते हैं में से

आप ये कहिए कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ इससे मेरी सास से कोई लेना देना नहीं है सास का विषय नहीं है आप आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। आप नहीं करते। और और उसके को पूरा करना चाहते हैं। That's the only Say that from today और यही केवल एकमात्र कारण है और आज से ही इसे कहना शुरू कर दीजिए यही हम CFC में सिखाते हैं Your life can be blessed. आपका जीवन धन्य हो जाएगा मेरे मेरे he... मेरे जो स्वामी है, मेरे है, बॉस उसने मेरे साथ बुराई की। yeah, that's you don't love God. वो इसलिए आप आप कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। You're not to his और आप परमेश्वर के के उद्देश्य के अनुसार नहीं बुलाए गए हैं और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मनुष्य बहुत ही विजयी पाएगा अगर वो जयवंत हो जाएगा मनुष्य अगर वो परमेश्वर के नियमों के अनुसार जिए तो वन लास्ट वन एक आखरी नंबर सेवन सातवा नियम मैथ्यू फाइव एंड वर्स सेवन मती पांच और उसका सातवां वचन ब्लेड आर द फॉर रिसीव मर्सी धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी परमेश्वर का नियम है। others, और जितना अधिक अधिक आप दूसरों के ऊपर ऊपर दया दया करते हैं, उतना ही परमेश्वर आपके भी दया करेगा। I want God to be to me. और मैं चाहता हो कि परमेश्वर मेरे प्रति रीति से बहुत दया करे। हूँ क्योंकि मैं सिद्ध नहीं हूं। That's why. I'm not committing obvious sin. मैं जानबूझकर करने वाले पाप तो नहीं कर रहा। But I make mistakes. लेकिन मैं गलतियां करता हूं। I make mistakes that cause problems for other people sometimes. और कभी-कभी मैं गलतियां करता हूँ, जिसके कारण दूसरे लोगों के लिए मैं मुसीबत खड़ी करता हूँ। You know sometimes you're driving? और जैसे आप कभी-कभी आप जब गाड़ी चलाते हैं You don't want to hurt anybody, but accidentally you hurt someone. और आप किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन दुर, दुर्घटना रूप दुर्घटना रूप से आप कभी किसी को चोट पहुंचा देते हैं. Can happen when you're riding a scooter. और ये हो होता है अगर स्कूटर चलाते हैं हम तब. Or anything. There's so many things. Even in a home, you can. Happen. और कुछ भी हो सकता है या या फिर घर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं एक्सीडेंटली हर्ट समी जिसके आप हम दुर्घटना वर्ष पूर्ण रीति से हम दूसरे लोगों को हम चोट पहुंचाते हैं और इन योर वर्क प्लेस या फिर आपके नौकरी के क्षेत्र में एंड आई वांट गॉड टू बी मर्सीफुल टू मी मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझ पर दया करे फॉर ऑल माई मिस्टेक्स मेरी सारी गलतियों के लिए God says, be merciful to others. फिर परमेश्वर कहता है कि तुम दूसरों के ऊपर भी दया करो Don't jump on others when they do something wrong. और दूसरों के ऊपर खुद मत पड़ो जब वो गलत करते हैं Forgive Let it become a habit with you. और फिर तुम्हारे साथ ये आदत ही बन जाए कि तुरंत क्षमा करो That you're immediately merciful. आप तुरंत उनके ऊपर दया कर रहे हो Why? क्यों? Because there's a law which says क्योंकि एक नियम है वो ये कहता है और अगर आप दूसरों के प्रति दयावंत हैं तो परमेश्वर भी आप पर दया करेगा क्या आपको पता है कि ये पुराने नियम में भी लिखा है आप भजन संहिता उसके 18वें अध्याय में देखते हैं इसे Psalm 18 सो uh, so wonderful. और परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत है भजन संहिता उसका अठारहवा अध्याय like और हम जब वचन का अध्ययन करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम रुके ही नहीं आप में से सारे लोगों ने वचन को पढ़ा है क्या और, आप इसे, आ... Psalm 18 and verse 25. और भजन संहिता 18 उसका पच्चीसवा वचन Psalm 18 verse 25 भजन संहिता 18 उसका 25 with the kind god shows himself kind दयावान के साथ तू अपने आप को दयावान दिखाता है and verse 26 with the crooked god shows himself astute. cute और हिंदी में इसका अनुवाद आ, आ, अलग दिया है लेकिन अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि जो लोग बुरे हैं उनके साथ भी परमेश्वर अपने आप को बुरा उनके साथ बर्ताव करता है जो बुरा करते हैं so जो लोग गलत टेढ़ी चाल चलते हैं उनके साथ भी परमेश्वर ऐसा ही करता है अगर आप ये देखते हैं आप, आप आप व्यवहार कर रहा है तो आप में से कुछ लोग सोचते होंगे की परमेश्वर मेरे साथ बहुत ही कठोरता से व्यवहार करता है You must have dealt with somebody else roughly too. और फिर आपने भी किसी किसी के के प्रति प्रति बहुत कठोरता से व्यवहार व्यवहार किया है इसलिए Look back and see, आप भूत मुड़ कर आप भूतकाल में देखिए क्या कठोर करते हैं उससे कठोर बर्ताव रखते हैं फिर आपको उत्तर पता है God फिर परमेश्वर भी आपके प्रति कठोरता से ही व्यवहार करेगा

I want God to be kind to me all the time and I मैं चाहता हूं कि परमेश्वर हमेशा मुझ पर कृपा दिखाए So Lord I want to be kind to everybody इसलिए मैं कहता हूं प्रभु मैं हमेशा दूसरों की ओर ऊपर कृपा दिखाना चाहता हूं One last verse James chapter two और अंतिम वचन याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय It says वहां ऐसा लिखा है

दया न्याय पर जयवंत होती है और आपको पता है कि जो दया है वो न्याय के ऊपर जयवंत होती है उसका अर्थ क्या है means when somebody does something wrong, और यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है It may बी एक्सीडेंटल वो हो सकता है दुर्घटना रूप से हो सकता है It may बी deliberate वो जानबूझकर हो सकता है Sometimes deliberate. पर कभी कभी जानबूझकर होता है often accidental. और ज्यादातर दुर्घटना रूप से होता है Somebody did something wrong that caused problem for me. और किसी ने कुछ गलत किया जिसके कारण मुझे मैं मुसीबत में आ गया Maybe on the road. हो सकता है सड़क पर Maybe in the office. हो सकता है दफ्तर में मेरे नौकरी के क्षेत्र में Maybe at home. हो सकता है मेरे घर में एंड इमीडिएटली माई एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट पर्सन इज जजमेंट और तुरंत मेरा जो रवैया है उस व्यक्ति के प्रति वो न्याय से भरा, भर जाता है How can you do this to me? और म, मैं ऐसे कहता हूं ये तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते होके ठीक okay. है यू जजमेंट यू विल बी फिर आपके प्रति परमेश्वर का न्याय दया रहित तौर पर होगा

और लेकिन अगर आपका रवैया ऐसा है कि जाने दो भूल जाओ, तो okay. कोई बात नहीं, perfectly okay, और पूरी तरह से ठीक है, maybe somebody serving you hot coffee in some restaurant spills it on your pants, और हो सकता है कि आप कोई एक होटल में रेस्टोरेंट में बैठे और गलती से कोई आपके ऊपर गरम कॉफी गिरा देता है आपके पैंट के ऊपर, okay, It's okay, आप कहोगे कोई बात नहीं, we all make mistakes, और हम सारे लोग गलतियां करते हैं हम भूल जाए और ये एक उदाहरण है ये सारी छोटी बातें हैं But there could be और फिर इससे बड़ी बड़ी बातें हो सकती है merciful, और आप दया करना सीखिए आप में से बहुत सारे लोग हैं क्यों परमेश्वर से दया प्राप्त नहीं कर पाते हैं

इसमें कोई आश्चर्य नहीं नहीं कि आपकी जो ट्रेन है वो बहुत आगे नहीं बढ़ रही है वो आपके में प्रगति नहीं कर रही है। Your goal. जो आपका आपका लक्ष्य है उसकी और वो बढ़ोतरी नहीं पा रही है और वर्ष प्रती, वर्ष प्रति प्रति आप उसी पुराने पापों से ही हारे हुए हैं। It's like your children having problem with addition. और ये मानो ऐसा है कि आपके जो बच्चे हैं उन्हें जो एडिशन uh, जो होता है गणित में उससे समस्या है Son, can you can, can you add 25 plus 25? और आप बेटे को कह रहे हैं कि आप 25 अधिक 25 को जोड़ सकते हैं No, Dad. नहीं पिताजी Can't add 25 plus 25. मैं 25 और 25 को मिलाकर नहीं बता सकता इसका उत्तर क्या है Five years, you're still struggling with 25 plus 25, और वर्षों से आप आप लगातार 25 और 25 कितने होते हैं हैं इससे ही जूझ रहे यही और वो आत्मिक तौर पर आगे नहीं बढ़ते है उनकी बढ़ोतरी नहीं हुई है Even after so many years, और इतने वर्षों के बाद भी और आप बहुत ज्यादा आप इस बात के लिए चिंतित होंगे अगर आपका बच्चा ऐसा है तो लेकिन इस विषय में क्या कि आप दूसरे के प्रति दया दिखाते हैं इस क्षेत्र में आपने कितनी उन्नति की है have you it? 25 plus 25? क्या आपने सीखा है इसे पच्चीस और पच्चीस कितने होते हैं मिलाकर Have you learned to be merciful? क्या आप दूसरों के ऊपर दया दिखाना आपने सीखा है? And not to judge. और दूसरों का न्याय नहीं करना है be quick to be merciful. क्या आप तुरंत दूसरों के ऊपर दया बहुत ही अद्भुत जीवन है। Can tell you from... मैं आपको कहना चाहता हूं. Many years of my own experience. <laughs> मेरे खुद के कई वर्षों के अनुभव से मैं आपको कहना चाहता हूँ

और फिर आप देखिए कि जो ये वर्ष के आठ महीने बचे हुए हैं इसमें कितना बड़ा अंतर आपके जीवन में आएगा Can be in your life compared to all the years gone by. और आप इन वर्षों को पिछले बहुत सारे वर्ष जो चले गए हैं आपके जीवन के उसके तुलना में अगर आप तुलना करके देखेंगे तो I've sought to live by God's laws. और मैंने परमेश्वर के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयास किया है और इसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा अंतर लाया है home, और ये मेरे घर में बहुत बड़ा इसने अंतर लाया है मेरे बच्चों के विषय में बहुत बड़ा अंतर लाया है My business is और मेरा जो व्यापार है उसमें भी बहुत बड़ा अंतर लाया है made difference with my earning and everything. और मेरे जीवन में जो कुछ भी मेरा जो मैं कमाता हूँ उसके और सब कुछ चीजों में हर एक बात में अंतर लाया है things, और पृथ्वी पर की चीजें लेकिन स्वर्गीय चीजें चीजों में पहले और इस चीज ने मेरे जीवन में ये अंतर लाया है कि मैं रात को चैन से शांति से सो पाता हूँ

क्योंकि ये जो नियम है ये हमारे शरीर को भी, इसका, पर, इस शरीर पे भी इसके परिणाम होते हैं है। प्रार्थना करता हूँ की आप सारे लोग इससे जकड़े जाए

और हम स्वर्गीय पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें नई वाचा में अद्भुत जीवन का आपने हमारे लिए जीवन को तैयार किया है पवित्र आत्मा के द्वारा और प्रभु हम उसकी ही ज्योति में जीना चाहते हैं हमारे जीवन के हर एक दिन में प्लीज हेल्प अस हमें कृपया सहायता करें एवरीवन हियर लॉर्ड लेट्स नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग और प्रभु यहाँ पर जो लोग भी मौजूद है हर एक लोग उनमें से इस, इन किसी भी चीज को ना खोए जो कुछ और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपने सारे लोगों को यहाँ पर आज लाया है जो भी आए to और ये संदेश को आपने सुनने के लिए आपने लोगों को, इन ताकि उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाए so. pray... और हम प्रार्थना करते हैं ऐसा ही हो जाए और हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी इस बात को खो ना दे been, और प्रभु हमारा भूतकाल कुछ भी क्यों ना हुआ हो Help us to repent. प्रभु हमें सहायता करके हम मन फिराए और हम आपकी ओर मुड़ जाए मैं मैं आपको मैं आपको चिताना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाइयों और say, और बहनों। आप एक क्षण लीजिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु प्रभु मुझे आने वाले दिनों में ऐसे नहीं जीना है जैसे मैं भूतकाल में जी रहा था I really want to change, Lord. प्रभु मुझे सचमुच में बदलना है। help me. मुझे सहायता करे प्रभु why do I, why am I प्रभु क्यों मैं हमेशा ही हारा हुआ होता हूँ क्यों मेरी ट्रेन एक जगह रुक गई है Why is my train going the wrong और और प्रभु 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 मेरी ट्रेन क्यों गलत दिशा में जा रही है? Help me to wake up, Lord. और प्रभु मुझे सहायता मैं मैं उठ अपने मसीह जीवन को आज से ले से लेकर गंभीरता लेना चाहता हूँ जीना चाहता हूँ एक्सपीरियंस द्लेसिंग और उसकी जो आशीष है उसका अनुभव करना चाहता हूँ थैंक यू धन्यवाद प्रभु जीसस ने के नाम से मांगते हैं आमेन आमेन